सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सर्दियों की एक सबसे ज़्यादा ख़ास डिश, जिसका नाम है मूंग दाल का हलवा। अक्सर ये मूंग दाल का हलवा हम लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। जब शादियों में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं तो सभी लोग सबसे ज़्यादा शौक से मूंग दाल का हलवा खाते हैं। और लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यानी इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए मैंने लिया है मूंग की दाल को, जो कि धुली हुई मूंग की दाल है, और इसको अच्छे से मैंने धोने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये देख लीजिए कितना ज़्यादा ये फूल कर डबल हो गई है। तो अब इसका मैं जो पानी है वो सब निकाल दूंगी और इसको दरदरा सा मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, वरना हलवा जो है बहुत फाइन हो जाएगा। हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है, तो वो मैं पीस कर आपको बाकी के इन्ग्रीडियंट्स दिखाती हूँ। देखिए, दाल हमने जो है वो पीस ली है, और ये देखिए आप दरदरी सी पीसी है, मैंने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि मूंग दाल के हलवे में हम और क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। तो 2 कप मैंने मूंग की दाल ली थी, तो 2 ही कप मैंने चीनी ली है, और 2 ही कप मैंने देसी घी लिया है। तो घी आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, वैसे मैंने 2 कप लिया है। तो इन चीज़ों में ज़रा हलवे वगैरह में घी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, और जाता भी देसी घी है, मैंने भी इसलिए देसी घी लिया है। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 लीटर दूध, और ये मैंने लिया है 2 कप मावा, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो ये 2 कप मावा लिया है मैंने, यह खोया, और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। उसके अलावा थोड़ी सी मैंने ली थी ज़ाफ़रान या सैफरन, और इसको गर्म दूध में मैंने भिगो दिया था, ये इसके अंदर जाएगा। और ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो ये लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून बादाम, जिनको मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है, इतनी ही किशमिश ली है, और इतने ही पिस्ते बारीक कटे लिए हैं। उसके अलावा 1 टीस्पून मैंने लिया है हरी इलायची का पाउडर। तो सबसे पहले हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो कि आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, और उनकी क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कितनी भी ले सकते हैं, तो मैं पहले इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने वाली हूँ। फ्रूट्स फ्राई करने के लिए थोड़ा सा मैं ले रही हूँ घी, 1 से 2 टेबलस्पून, और इसके अंदर बिल्कुल लो फ्लेम है मेरी, और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बादाम, काजू और पिस्ते, और कुछ सेकंड बस मैं इनको फ्राई करके निकाल लूँगी, और जो किशमिश है वो मैं बाद में डालूँगी। तो कुछ सेकंड ये फ्राई हो गए हैं, अब मैं डाल देती हूँ किशमिश, इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा आपकी फ्लेम होगी तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा। बस ये हो गए हैं, तो मैं अपनी गैस बंद कर देती हूँ और इनको एक बोल में निकाल लेती हूँ। तो उसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ देसी घी, और फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए आपकी। और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैं डाल देती हूँ ये दाल का मिक्सचर। तो अब करना है हमें काम, तो इसको हमें भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बस इस हलवे के अंदर आपको अपनी मसल्स को जो है स्ट्रॉन्ग रखना है, थकना नहीं है, और बस इसको चलाते रहना है, भूनते रहना है। तो बस इसको मैं चलाती जाऊंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको चलाती रहूंगी और इसको भूनती रहूंगी। तो देखिए, कुछ ही मिनट में जितना भी हमने घी यूज़ किया था वो पूरा दाल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे, कम से कम इसमें लगेगा हमें आधा घंटा, और हमें इतना भूनना है कि जो हमारी दाल है वो दरदरी सी हो जाए, यानी क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाए, और ये दोबारा से अपने अंदर से जो हमने घी इसमें डाला है वो छोड़ दे, यानी इसमें से घी अलग होने लगे। तो मैं चलाने वाली हूँ इसको तकरीबन आधा घंटा, बीच में मैं आपको एक दो बार दिखाऊंगी।
तो बस लम्स अगर बन जाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है, वो बाद में ठीक हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा ही हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगी किस स्टेज पर आप इनको मिक्सी में चला के, और थोड़ा सा बस मिक्सी में चला लीजिएगा तो जितने भी लम्स हैं आपके वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बस मैं इसको इसी तरह से चलाते हुए, बिल्कुल लो फ्लेम है मेरी, मीडियम नहीं है, और मैं इसको आधा घंटा पकाती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो 10 मिनट हो गए हलवे को पकते हुए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आपकी क्वांटिटी कम होगी तो वो जल्दी हो जाएगा। तो सब्र से बहुत ही और मेहनत से आप जो भी काम करेंगे उसका फल बहुत ही मीठा मिलता है, तो बस वही केस है, सब्र से इसको भूनते रहिए। ये देख लीजिए आप, लगातार भून रही हूँ और फ्लेम मेरी बिल्कुल लो है। तो अभी मैं इसको काफ़ी देर और भूनने वाली हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो दाल को भूनते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और इसका जो कलर है थोड़ा थोड़ा वो चेंज भी होने लगा है, तो अभी हम इसको और पकाएंगे जब तक कि जो दाल है वो घी नहीं छोड़ देती। तो देखिए दाल जो है हमारी अब सूखने लगी है और ये होने लगी है दरदरी, थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी सी, क्योंकि जब मैं इसको पलट रही हूँ यानी इसको चम्मच चला रही हूँ तो मुझे आवाज़ महसूस हो रही है, आपको भी शायद इससे पता चल जाएगा कि ये अच्छे से पकने लगी है। तो अब ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली है, टाइम तो खैर अभी भी लगेगा लेकिन इतना नहीं लगने वाला है, तो थोड़ी देर और जब तक कि ये अपने अंदर से घी नहीं अलग कर देती। देखिए दाल जो है हमारी एकदम अच्छे से भुन गई है और इसका कलर एकदम चेंज हो गया है और ये इसके अंदर से घी भी अलग होने लगा है, बिल्कुल ये क्रिस्प हो गई है, बिल्कुल कुरकुरी हो गई है, साइड्स में ये देखिए इसके घी आने लगा है। तो बिल्कुल मेरी फ्लेम अभी भी लो है और काफ़ी टाइम लग गया है इसको, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो अब मैं बिल्कुल पहले मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है, और इसमें डाल देती हूँ दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, और मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम मैंने बंद कर दी है, इसी तरह से मैं सभी डाल देती हूँ। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम दोबारा अपनी गैस को ऑन कर देते हैं और इसके अंदर साथ ही में मैं डाल देती हूँ ये केसर वाला दूध, इसको भी मिक्स कर लेते हैं और अब हम अच्छे से पकाएंगे इसको। फ्लेम मेरी अभी भी लो है लेकिन मैं बीच में इसको मीडियम भी कर दूंगी, और अगर आपकी फ्लेम मीडियम हो तो बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं रोकना है, चम्मच लगातार चलाना है आपको। तो इसे हमें इतना पकाना है कि जितना भी दूध है वो ड्राई हो जाए, और अब ये जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, भुनाई में ही जो इसका मेन जो होता है वो भुनाई में ही टाइम लगता है। तो हलवा हमारा गाढ़ा होने लगा है, तो इस स्टेज पर हम डाल देते हैं इसमें इलायची का पाउडर और इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो हलवा हमारा ठीक होने लगा है, कलर आपको अभी इसका वाइट लग रहा है लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये खुद ही आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। तो इस स्टेज पर अब जबकि ये काफी ठीक हो गया है, मैं डाल देती हूँ चीनी, इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। चीनी भी अब काफी पानी छोड़ने वाली है, तो हमें इतना पकाना है कि जो चीनी है उसका पानी ड्राई हो जाए। साथ ही में मैं डाल देती हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से बचा लिए हैं मैंने गार्निशिंग के लिए, और अब फिर से इसकी भुनाई शुरू कर देते हैं। मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी, अगर बीच में मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी तो फिर मैं हाथ अपना बिल्कुल नहीं रोकूंगी। और एक बार बता दूं कि जो आप कढ़ाही लेंगे वो भारी पैंदी की लीजिएगा, वरना जो आपका हलवा है वो चिपक सकता है। और दूसरी बात ये मेरे स्पून के बारे में है, कुछ लोग कहेंगे कि आपने प्लास्टिक का स्पून ले लिया है, तो ये प्लास्टिक का नहीं है, हाई क्वालिटी का ये सिलिकॉन का स्पून है, और इसी से ही ये ठीक से बन पा रहा है, वरना मैं लकड़ी का यूज़ कर रही थी। अब इसको मैं भून लेती हूँ।
तो हलवा हमारा तैयारी की तरफ आ गया है और अब मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम कर दिया है और देख लीजिए आप कितना बेहतरीन ये नज़र आ रहा है और ये जुड़ने लगा है। बस कुछ मिनट और पकाऊंगी फिर हम डाल देते हैं इसके अंदर खोया। दो से तीन मिनट और हो गए हैं हलवे को पकते हुए और इसमें से ऑयल जो है वो भी अलग होने लगा है। तो अगर आपने ज़्यादा कम घी डाला है यानी घी बहुत ही कम डाला है तो इस स्टेज पर जब ये अच्छे से भून जाए तो थोड़ा सा देसी घी आप ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से ठीक डाला था, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। तो अब स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ खोया, तो ये डाल देती हूँ मैं इसमें मावा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ी देर में इसे फिर से पकाती हूँ ताकि जो हमारा खोया है या मावा है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो हलवे को हमने खोया डालने के बाद 5 मिनट और पका लिया है और इसमें से घी आप देख सकते हैं अलग हो गया है। तो ये हो गया है तैयार एकदम गर्मा गर्म। इसको हम सर्व करते हैं थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो देखिए तैयार है हमारा मूंग दाल हलवा, बिल्कुल जिस तरह से आपको शादियों में या पार्टियों में मिलता है। लुक भी इसका वही है और टेस्ट भी इसका वही है, बहुत ही शानदार बना है। क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर पकाया है तो इसका कलर जो है येलो है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो थोड़ा सा ये ब्राउनिश हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है आप किस तरह से इसको बनाना चाहते हैं। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है और इसमें 1 घंटे से ज़्यादा लगा है क्योंकि इसमें की जो क्वांटिटी थी मेरी वो ज़्यादा थी। ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो ज़्यादा दिल चाहता है ज़्यादा बनाएं, अपने रिश्तेदारों में या पड़ोस में किसी को दें। तो आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।